एमपी के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह को अपने ही विभाग की जानकारी नहीं है। कोविड काल में कई जिलों में गरीबों को पोल्ट्री ग्रेड चावल बांटा गया था, यानी कोविड 19 के दौरान जानवरों को देने वाला चावल गरीबों को दिया गया था। वहीं राशन घोटाले को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई घोटाला नहीं हुआ है। बिसाहूलाल जी, आपको अपने विभाग की कतई कोई जानकारी ही नहीं है। बिसाहूलाल जी से सवाल किया जाता है कि आपके विभाग में घोटाला हुआ है, तो बिसाहूलाल कह देते हैं कि पूरी जानकारी पीएस के पास होगी, उनसे बात कर लीजिए। बिसाहूलाल जी को यह भी नहीं पता कि उनके विभाग में एक बड़ा घोटाला हुआ था। बालाघाट सहित अन्य जिलों में घटिया किस्म के पोल्ट्री जानवरों को खिलाने वाले चावल गरीबों को बांट दिए गए थे, लेकिन बिसाहूलाल हैं कि उनको अपने विभाग की कतई जानकारी नहीं है। उनसे किए गए सवाल में वो साफ टाल कर कह देते हैं कि ये सारी जानकारी आप पीएस से लीजिए, अगर कोई घोटाला हुआ है तो जांच होगी और दोषी अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा। लेकिन मंत्री जी, आप अपना पल्ला ये कहकर नहीं झाड़ सकते, आखिर आप विभाग के मंत्री हैं तो जिम्मेदारी आपकी भी है। पीएस से बात करी, वो साफ पूरी जानकारी, अब उसकी जानकारी पीएस को होगी, अपने पास उसकी जानकारी नहीं आ पाई है। बिल्कुल कार्रवाई होगी अगर इसके कहाँ घोटाले आ रहे हैं, हम तो एक जगह कोई नहीं, जो अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, जेल भेजा जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।